ये है बिमला काकी और ये है इनकी नई नवेली बहू, जिसको कि घर का काम कम आता है क्योंकि ये शादी से पहले दिल्ली रहती थी। और ये है दीपा, बिमला काकी की लड़की। दीपा अपनी भाभी को बहुत ही अच्छा मानती है और दोनों हमेशा खुश रहते हैं। फोन हेलो। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार, ठीक छी तू? हो यार मैं ठीक छू, और तू ठीक होने ली? ठीक छू यार। और कुशल बात ठीक छी तेरी? हो यार मैं कुशल बात सब ठीक छू, और तेरा ठीक होने ली? सब ठीक हो यार। और बधाई यार तुके, तू बाहर लगे छी? धन्यवाद यार, ब्याह में तो आई नहीं थी नी तू? अरे कसी वसी पे यार, अभी खुट लगी टूटी है और फ्रैक्चर है ही है, इमे प्लास्टर चढ़ रहा है, अब कसे तो कसे रहले पीड़ होने छी मैं। हो यार एलो हुन हो ना तोले ब्याह का टाइम में? बाकी ठीक है कि काम कर रहा हूँ दिल्ली खे लग रहे क्या? अरे कोई ना सीख जाए, घर नानदिन है थोड़ा थोड़ा करने सीख जाए, को पेटम बेटी जी कोई सीख दे दी हो पे दे सीख जे के सीखे वही मेरे मन उतक नहीं हर ची इन्हें मन पसंद है गोपाल दगई काम करने भो एक कंपनी में इन्हें मन पसंद है के सीखे हैं? अरे यार आजकल हमारे जब तक दीपा छे तब तक से हमारे फिर जे हो देख नहीं रहा को। यार ये तो जब तक खुटक पट्टी खुल जाए ना फिर ये हाँ हो फिर ये हाँ तू ठीक मम्मी आपके को कपड़े हैं धोने वाले दे दो मेरे को, मैं धो लाती हूँ। ना को कपड़े पर के नहीं धोने थी, एक घुटे चाय बना लो नहीं तो। अच्छा ठीक है फिर मैं चाय बना लाती हूँ। हो फिर दीपू ले ना फिर मेरे को काटूंगी जरा। ठीक है ठीक है ठीक है, तब तो मैं चाय बना लाती हूँ। चाय बना लाई घुटे। कुछ नहीं यार दीपा, प्लीज आग जला दो यार, मम्मी ने चाय बनाने के लिए बोला है, मेरे से आग जल नहीं रही है। तुमने मुंह में क्या लगा दिया है? अरे पता नहीं क्या लग गया है, छोड़ो ना तुम, प्लीज आग जलाना बता दो मेरे को। अच्छा फिर मैं बताती हूँ, इसको ऐसे ऐसे बहुत आराम से चला दिए लेकिन मेरे से तो हो ही नहीं रहे। बस हो गया चाय रख लो।
दीपा शायद चाय उमल गई है, निकाल दे। रुको अभी मैं निकालूंगी आपका। अच्छा ठीक है, आप जाके ना अपना मुंह साफ करो, मैं दे दूंगी मम्मी को चाय। ठीक है आप दे दोगे ना? ठीक है ठीक है, फिर मैं मुंह साफ। कर रही हूँ गलती यार, सामान नहीं मिल रहा है यार, टाइम तो का की जाने चाहा के चाहा तुझे रोन से दुल्हन का से। अरे मैल जलाने भी नहीं रोन का, आगनी जलोन से चाहा नु कुमार उतावते बोझ के आगनी जागो। अरे सीख जेले आई जा, तू कछतार नहीं करी कर। हो सीख जेल उताब जे आग जे गुण दिशा का हकर है तेल कारबार मेरे पहले कह जी। टेंशन नहीं कर तू, अब जाओ दे भेकू काट लो, तेगले सीखे जरा भेकू काटन। हां ठीक से हो हो, दीदी है जाओ जरा काट ले और तेगले सीखे। हो हो पहले क्या झाड़ नहीं करनी तय कर ये काम को होना था तो देख कुछ छोड़ दे छोड़ कुछ थाली में ये काम को होने एक हाथ भरा नहीं उन्हें भाई इसे हाथल घरों निकलो कुचल लग रहा है उधर को पहन ले कौन तो छह भैंले की मिली जेल तो क्या ला पकड़ इधर से पकड़ सर में रख। अरे भली यार कोमरा के काम को होने बाबा ये थप गांव वाले जी कोई नहीं तो पांड डाला वाले जी खड़ को एक नहीं हो तो पांड डाला नहीं है दिमाग दू मेहर आई है कि तुको के काम तो होनी हो तुको ऐ दू मेहर में शिकुण तुको इसी के काम ही नहीं है तू है जे क्यों हा क्यों हा किले ये डाल थप खड़ को आए हूं भी खड़े लो के तो होने तो तुल भर भर है उनल पे ओ भै भै भर भर है लो उधर में भरी भरनु आ तो चाहे हम खड़ती जा तू जा तू जो अपना पहन भला काम कर जा जे कर छब है। हां हम कर दे जा अब हम भूख लग रही ये काम अब तो होना था भाभी तो मम्मी की बात का बुरा मत मानना है ऐसी है इसमें जो उठा दो मैं वहां फेंक के आ जाऊंगी इसको पीछे तो भाभी ना मेरे उसमें उठा दो मैं मेकअप और ये उठाएंगे तो बहुत भारी हो रहे हैं। रुको यार भाभी रुको मैं इसको बुला दूं। ओ हरुआ मुख ऊंचा दिला आ दे जरा जो आ रहा ना अच्छा जल्दी आ अभी एक चप्पल झाड़ू लगा दे। हां ठीक है थैंक यू। दीपा हर काम भाभी के साथ मिल बाँट के करती थी और भाभी को धीरे धीरे सिखाने की कोशिश भी करती थी। भाभी दिल्ली वाली थी इसलिए भाभी को घर का काम थोड़ा कम आता था। इस बात से दीपा की मम्मी काफी नाराज रहती थी। ओ दीपा ए जा के करन छ तेरा ये कुपन निकाल तो खबर बात करो तो अब बोझी पहन बा कदिन त लाग रहल मेरे को बता दे न त घा काटन न त थप गांव होने और नहीं तो भिनेर जगह होने आखिर कहीं तो लग रही तो तय पहन। अरे जा तो खतखदार निकाल यार सीख जा लो सीखण तो लग रही ना धीरे 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 हुआ काम सब दू में है कि चला कहीं तो सीखे ना आखिर तो खतखदार निकाल यार तू जा सीख जा लो मैं सीखा दूल तू जा जा सीख दे दे तो नहीं कार बार न कोई कार बार के हुड़ी और छले ते जे करछा करब है दे है जा सब दे दे खतखदार कहूं है दे।
नमस्कार। नमस्कार चला, ठीक छे तू? ओ ठीक छो, तुम ठीक छा? हो यार ठीक छो, कुशल बात ठीक छे घर से? सब ठीक छो, हो हो। आ कत के हरते दौड़? बस यही तक। और की चल लो काम धंधे? बस चला की चला, आजकल कागला तेर घर नहीं थी भावरन को जेरी। अच्छा, दीपा शेख तो तई लिबे हरो कारोबार हमर तो। खिलाई बुआ लेके आगे राखी आओ। दे चला के को बुआरी न को घा काटन हुन न को थाप गाण हुन जैसे छुपा चला हम कारोबार खेल। अरे सीख जल पाओ काकी का दिल्ली नुनी पे धीरे धीरे आ रहे आप दुए मेहनत आ रही सीखल धीरे धीरे करने लग रहे जे तुहना का सीख चला पा देबुली जे बाहर देख रहे तो इतर घा गुड़वा गने यार हमर तो सो तो। अरे काकी बाबू पहाड़ रुनी बहु दिल्ली रुनी बहु काम धीरे धीरे सीख जलाओ। कहाँ चला रति को थपाड़ डाल भरत तेरी जी मैं सारा मैं खरम खिद्दी भेद सीखण मुश्किल से तेरे। अरे सीख जल काकी पेट में कोशिश में धीरे धीरे सीख जाने भेद। अरे ये बिनिता ब्याह काट चले। अरे बिनिता ब्याह ले को चले थे किस 22 तारीख से? हाँ मगर सब काट भेज दिया लेट हमारी तुम्हारे घर होने मतलब दियो ने चला कति हम दीपा होने देखे रहे जो आपू ही देखले जो हल्दर उनके जो सोना कोई अपनो देखले जणी जो चेची यार किले काकी मैं हूं तो का कौन सी दिन भाई दीपा कहीं बात चले गए वेर चला चल तो रसी ने घर वाले भल छी लोण भल छी कोकी घर सा कारोबार है गो यार भते। अब क्यों हो काकी कारोबार है काम करने में कोई मरो थोड़ा अब के दीपाल तो सारा घरों काम करिए भाई यार सारा काम नहीं होगा ना कहो चला किले मैं चल मैतला काम है करे सराला कारोबार है कौन भमे चली बजे पार मैं लो सकर मैं चली लो सकर मैं तुम ले यार काकी अब सारा काम दीपा को कि काम करने में कोई मन थोड़ा लग रहा हूँ वो कार बार सारा उन्हें भी काम करो उन्हें भी और जब चने पर तुमको दगड़ मिली जानी ने बुआर तुम्हें दिल्ली भाई वो काम नहीं हो तुम काम करो ऊँचा ने वो लड़की कहकर चली से तसी को छा तो इन्होंने कहा कि जमे चने पर तुमको चल कर दगाड़ी जानी और बुआर चने पर काम करनी बुआर लड़की कहकर चली से और तुम्हें चिल्ले भोपुर कहकर बुआरी बढ़े उन्हें चाला कि हमारे बुआर घर में काम करो कभी तो इन्होंने यार कहा कि अगर तुम्हें जब सोच सबू हैगी ना तो है को पहाड़ो बेड़ा पार तुम तो शुक्र मनाओ तुम्हें बुआर दिल्ली हवेल है तू बना काम कर देना है तू ना तो आजकल बुआरी पहाड़ अगला बुआरी निकलने तो भल बुआ से तुम्हें दिल्ली हवेल तू काम कर लेने जा मना तो निकलने के काम लीजिए सो बैठ वाले हिटनू में। अब बिमला चाची को समझ में आ गया और अब बहू भी सब काम सीख गई थी। अब दोनों सास बहू हंसी खुशी घर में रहने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बस वीडियो का मतलब यही था कि जैसी सोच बिमला चाची की थी वैसी सोच किसी के ना हो। होता है ना हमारे पहाड़ों में आजकल हम चाहते हैं अगर लड़की की हम शादी कर रहे हैं तो हमारे लड़की के मम्मी पापा के मन में उसके घर वाले के मन में ये रहता है कि हमारी लड़की कहीं हल्द्वानी जाए ऐसे शहर में जाए जवाई जो है बाहर ले जाने वाले हो अपने साथ ले जाने वाले हो काम ना हो उसके लिए पहाड़ों में ना जाए इस टाइप की आजकल कई सब मैं नहीं कहता कि सबकी सोच है लेकिन ज्यादातर घर वालों की इस तरह सोच रहती है। और उल्टा जब हमको बहू चाहिए होती है तो हम कहते हैं कि बहू अच्छी होनी चाहिए घर में काम करने वाली होनी चाहिए घर में सेवा करने वाली होनी चाहिए। तो ऐसा कहाँ हो सकता है जो आपके घर में बहू आ रही है वो भी किसी की लड़की है और आपकी भी लड़की किसी के घर में बहू ही बनेगी। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए, काम करके कोई मरता नहीं है। बाकी घर बार अच्छा होना चाहिए, जो आप अपनी लड़की के लिए जवाई या कोई लड़के के लिए पति ढूंढ रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। तो कहीं नहीं कहने का मतलब यही है कि ऐसी सोच बिमला चाची बिमला काकी जैसी सोच किसी की ना हो। बाकी वीडियो आपको पसंद आई होगी, हालांकि थोड़ा हमारा उतना क्वालिटी कैमरा क्वालिटी साउंड क्वालिटी उतना सही हो नहीं पाया क्योंकि कैमरा हैंडल करने वाला कोई था नहीं, मैंने ही किया। जब चेतना लोग होते हैं तो सब मिलके कर लेते हैं, बच्चों की भी छुट्टी थी वेग लोगों की तो। लेकिन आपको पसंद आई होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और यार वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर कर देना, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वीडियो क्वालिटी ना थोड़ा सा इसलिए खराब भी आ रही क्योंकि तो मैं कैमरा था मेरे पास एक लेकिन वो थोड़ा बहुत पुराना हो गया है, कई जगह से टूट गया है तो इस वजह थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो जब कैमरा ले लेंगे नया फिर उसके बाद नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो अभी मिलते हैं, अभी लेते हैं विदा आपसे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।